नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आपका एप्पल फार्मिंग महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल में और मैं आपका मित्र शेख फिरोज़ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे पर्सिमन के बारे में। कई बागवान भाइयों ने भी पर्सिमन के पौधे नहीं देखे होंगे या फिर पर्सिमन फल कैसा होता है ये भी नहीं देखा होगा, तो आप देख लीजिए। और जो बागवान भाई इस चैनल पर मेरे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जैसे पर्सिमन फार्मिंग रिलेटेड और एप्पल फार्मिंग रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूँगा यूट्यूब पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते। हमने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि पर्सिमन में 50% कलर येलो कलर यानी 50% ये पीला हो चुका था और आज का ये अपडेट है तकरीबन और 10 दिन हो रहे इसे, तो इसमें बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। ये देखिए कि हाइट अगर बात करें तो लगभग 2 फीट का पौधा है, 2-2.5 फीट का, और उसमें ये फल लगा हुआ है इस तरह से। ये देखिए मेरे पास कुल अभी 5 पौधे हैं, उनमें से 2 पौधों पे फल है और बाकी पौधों में फुल फल भी आए थे लेकिन वो ड्रॉप हो गए कुछ कारणवश। तो अभी मैं दूसरा पौधा आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए किसान साथियों, ये है मेरा दूसरा पौधा जिस पर अभी फल लगा हुआ है। ये देखिए ये पूरा येलो कलर में आ गया है, एकदम पीला हो गया है। अभी ये आज का अपडेट है, आज डेट है 16 अगस्त। ये देखिए इस तरह से होता है पर्सिमन। पर्सिमन में 2 वैरायटी होती है, एक फुयू होता है और एक ये नॉर्मल जो हिमाचल की वैरायटी है ये, और इसमें से थोड़ा ऐसा थोड़ा गोल शेप में होता है, थोड़ा लंबे शेप में। ये टोमेटो की तरह है, जैसे हमारा देसी टमाटर जो होता है उस तरह से इसका आकार है, लेकिन अभी भी ये इतना पीला होने के बावजूद भी अभी बहुत सख्त है। देखिए मैं इसे दबा रहा हूँ तो अभी सख्त है ये। अभी कब पकेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको जैसे ही दिन जा रहे जैसे अपडेट आ रहा हो ऐसे बताता हूँ। अगर आप भी पर्सिमन फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और पौधों के लिए हमसे संपर्क करें, पौधे भी आपको मिल जाएंगे। 1 वर्ष पुरानी कलम मिलेगी आपको, आपको अगर चाहिए तो उसमें दूसरे साल से, जैसे अभी इसका ये दूसरा साल लग चुका है इस पौधे को, इसमें भी फल लगा है। तो आशा करते हैं बागवान भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।